हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा लेंस की नेचर के बारे में। हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है क्या वो लाइट को डाइवर्ट कर सकता है, या जो हमारा जो कॉन्केव जो लेंस है क्या वो हमारा लाइट को क्या कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लाइट को कन्वर्ज करने के साथ में उसको हम लाइट को डाइवर्ज भी कर सकते हैं। वैसे हम कॉन्केव लेंस से लाइट को डाइवर्ज करने के साथ में उस लाइट को हम कॉन्केव लेंस से क्या भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ज भी कर सकते हैं। बट वहां पर एक चेंजेज आता है, एक कंडीशन होती है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मेटीरियल से कैसा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज्यादा होता है तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, और जो कॉन्केव जो लेंस जो होता है इस कंडीशन पर लाइट को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ज कर देता है। तो आज की क्लासेस में हम यही देखने वाले हैं कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस तरीके से लाइट को डाइवर्ट करेगा अंडर दिस कंडीशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेंस बनाना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बनाएंगे लेंस, तो आप लोग इस चीज को ले ध्यान देखो किस तरीके से आप कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हो। तो मान लो आपने, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन ले ली एक्स वाई, उस 8 सेंटीमीटर जो लाइन है उसका जो आधा जो होगा, जो हाफ जो होगा, जो उस एक्स वाई लाइन का जो सेंटर जो होगा उस सेंटर को बोलेंगे आप ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर करोगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपको करना क्या है कि कंपास को खोलना है 4 सेंटीमीटर पहले, फिर 4 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा 4 से 5 को बढ़ा देना है, 6 बढ़ा देना है, फिर इस पॉइंट से एक आर्क ऐसे लगाओगे और उसी बिना चेंज करे कंपास को एक आर्क आप ऐसे लगाओगे, तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इट मींस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि मतलब पहले आपको एक 10 सेंटीमीटर लाइन लेनी है, 10 सेंटीमीटर लाइन का जो सेंटर जो होगा, मिड जो पॉइंट जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर का आप कितना करना आपको, 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल करके, अगर आपने लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की, तो आपको क्या करना है, 6 या 7 आपको उसको कंपास को बढ़ा देना है, 5 से ज्यादा करना है थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, 6 कर लेना या 7 कर लेना, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेंस बनाना चाहते हो तो 8 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हो, ठीक है, 6 या 7 करो, एक आर्क उसके उसकी एक्सिस से लगाओगे और दूसरी आर्क उसके दूसरे एक्सिस के दूसरे पॉइंट से लगाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, अब मेरे पास में 2 मीडियम है, एक तो ग्लास है, कैसा है, ग्लास है, और ये जो ग्लास जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM में और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL। अब ये जो NM है ना वो NL से कैसा है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि जो N जो हमारा जो ये जिस मीडियम में रखा हुआ है, ये जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये वाला कौन सा मीडियम होगा डियर स्टूडेंट्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर में, तो ये कौन सा मीडियम होगा डियर स्टूडेंट्स, ग्लास एक रिलर मीडियम होगा, क्या होगा, रिलर मीडियम। अब आपको क्या करना है, मान लो मैंने इस पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस पर मैंने इंसिडेंट करी, वो डेंसर टू किस में जा रही है, रिलर के अंदर जा रही है,
तो जब लाइट डेंसर टू रिनर में जाती है तो कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम नॉर्मल यहां पर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा जो लेंस जो होते हैं वो टू स्फेरिकल सरफेस के बने हुए होते हैं, टू स्फेरिकल सरफेस के। तो मैंने एक ए बी स्फेरिकल सरफेस था ये वाला, इसका सेंटर कहां होगा, यहां होगा, उसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, ए बी स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है वो इधर साइड में ही तो होगा सी वन। तो आपको क्या करना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर आपको क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये तो लाइन जो ड्रॉ जो होगी ना डियर स्टूडेंट्स एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी इस वाले पॉइंट को। तो आपको पता है नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, डेंसर टू कहां जा रही है रिलर की तरफ, तो कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट हमारी इधर की तरफ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इधर इधर डायरेक्शन में हमारी लाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर साइड में ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, ये इस वाले स्फेरिकल सरफेस पर भी फॉल हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस लाइट का इस सरफेस से भी एक बार रिफ्लेक्शन और होगा, इस सरफेस को मैंने मान लिया कौन सा सरफेस PQ। अब रिफ्लेक्शन हमें पता है कि वो कहां से जाएगी, रेडर से जाएगी, और कहां जाएगी डेंसर के अंदर जाएगी, रेडर से कहां जाएगी डेंसर के अंदर जाएगी। अगर वो रेडर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब इसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो ये PQ एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल ग्लास का सरफेस है, तो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर जो होगा वो कहां की तरफ होगा, इधर इधर साइड में होगा इस स्फेरिकल का, PQ स्फेरिकल इसका सेंटर इधर की तरफ होगा। तो ये मैंने क्या मान लिया, ये कौन सा बेटा हमारा सी टू है, सी टू जो सेंटर है वो किसका है, PQ स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल ग्लास का, स्फेरिकल ग्लास का, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सी टू हो गया। तो आपको क्या करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ कर देनी है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन जो आपने ड्रॉ करी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल की तरह क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स एक्ट करेगी, दैट इज इसको नाम दे दिया मैंने एन टू, इसका नाम दे दिया मैंने क्या एन वन दे दिया। तो अब ये लाइट कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, अब ये जो हमारी जो लाइट है ये कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, ये मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स सब देखना है, क्या करना है देखना है कि जब हमारी लाइट रेडर टू डेंसर में जा रही है और ये इस पॉइंट पर एक नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये जो लाइट है वो हमारी किधर की तरफ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट होगी, किधर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, ये मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये अगर मैं इस लाइट को इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर देता, अगर मैं इस लाइट को इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर देता क्या होता है ये मुझे बताओ, एक चीज बताओ क्या होता है, ये कहां से जा रही है, ये रेडर है और ये कहां है डेंसर, तो टू आर द नॉर्मल होता, बट मैं अगर इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर रहा हूं तो ये कहां की तरफ रिफ्रैक्शन दिखा रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मुझे क्या दिखाना है टू आर द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो टू आर द नॉर्मल की तरफ अगर मैं रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट से इधर डायरेक्शन के अंदर मैं क्या दिखाऊंगा इस लाइट का रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इधर डायरेक्शन में लाइट हमारी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट इधर से इस पर इंसिडेंट करूंगा, ठीक है, मान लो मैंने ये सी टू है और मैंने कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी इस वाले सरफेस पर, अब ये कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, अब इसके लिए भी मुझे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, आप इस सरफेस पर पढ़िए, इस सरफेस का सेंटर है, इस पॉइंट से इस सी से आप स्फीयर के इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ जो होगी ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइन जो ड्रॉ जो होगी, ये जो लाइन जो ड्रॉ हुई है डियर स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल की तरह क्या करेगी
एक्ट करेगी, ये नॉर्मल हो गया डियर स्टूडेंट्स, मेरा क्या हो गया एन थ्री हो गया। तो अब ये लाइट कहां की तरफ होगी डियर स्टूडेंट्स, डेंसर टू कहां जा रही है, रेलर के अंदर जा रही है, तो कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ, क्या होगी डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ, क्या होगी डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी, नॉर्मल इधर है ऐसे रिफ्रैक्ट हुई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अब ये जो लाइट है इस पीक्यू स्फेरिकल सरफेस पर पड़ी है तो वो कहां से जाएगी, ये कहां से जाएगी, रिलर से कौन से मीडियम में जाएगी डियर स्टूडेंट्स, डेंसर के अंदर जाएगी। जब वो रिलर से डेंसर में जाएगी तो आपको पता वो कहां की तरफ बेंड होती है, टू वार्ड द नॉर्मल। तो इसके लिए भी मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक इस पॉइंट से मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा एक नॉर्मल। तो इसका जो सेंटर इस पीक्यू स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है वो सी टू है। तो आपको पता है कि अगर कोई हमारे पास में कोई अगर ये सेंटर है, चाहे आपका पॉइंट यहां पर लो, चाहे आप यहां से लाइन ड्रॉ करो, 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 स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर आप अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे और वहां पर अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करा है तो वो जो लाइन जो होगी ना इस पॉइंट पर वो कैसी एक्ट करेगी डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल की तरह क्या करेगी एक्ट करेगी, किसकी तरह एक्ट करेगी नॉर्मल की तरह, ठीक है। तो पीक्यू का स्फेरिकल, पीक्यू एक स्फेरिकल सरफेस है स्फेरिकल ग्लास का, उसका सेंटर कहां है सी टू, ये रहा। अगर मैं सी टू से अगर इसके स्फेयर पर अगर मैं इस पीक्यू स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से अगर उसके सरफेस पर अगर कोई मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो किसकी तरह एक्ट करेगी नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये होगा और इस पॉइंट के लिए नॉर्मल होगा ये, और इसको मैंने नाम दे दिया एन फोर। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स ये कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, तो देखो ये रिलर और ये कहां है, कहां जा रही है डेंसर के अंदर जा रही है, तो कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी ये रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल कहां है इसका, ये रहा नॉर्मल इसका। अगर मैं इस लाइट को अगर मैं ऐसे रिफ्रैक्ट कर दूं, ध्यान देना इस चीज को, अगर मैं इस लाइट को इस पॉइंट को अगर मैं इधर से रिफ्रैक्ट करा देता ऐसे ऐसे मैं इस लाइट को निकाल देता तो ये लाइट क्या होती ऐसे थी, बट ये लाइट ऐसे हो गई, ऐसे जा रही है ऐसे ये लाइट, बट अगर मैं इसको इधर की तरफ रिफ्रैक्ट करूं और नॉर्मल ऐसे है लाइट ऐसे जा रही है और मैं अगर रिफ्रैक्ट इधर कर दूं तो ये कहां की तरफ होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जबकि कंडीशन क्या कह रही है कि लाइट जा रही है हमारी रिलेट टू डेंसर, तो कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स वो होगी टुवर्ड द नॉर्मल, दैट इज इसका जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से वो इधर की तरफ क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट हो गई, क्या हो गई रिफ्रैक्ट हो गई। तो देखो एक रिफ्रैक्ट लाइट ये और एक रिफ्रैक्ट लाइट ये है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है रिफ्रैक्टेड जो लाइट है वो क्या उनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्स या मीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये अब क्या हो रही है इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये जो लाइट है ये जो लाइट जो आ रही है ये जो लाइट जो आ रही है किसी सोर्स से जो हमने कहां पर माना हुआ है इंफिनिटी पर, तो उस पर ये जो लाइट जो फॉल जो हुई है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स ये डाइवर्ज हो गई है। इसका मतलब लेंस कॉन्वेक्स लेंस का नेचर हमारा क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट्स चेंज हो गया, मतलब किसकी तरह एक्ट करेगा ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह डाइवर्जिंग लेंस की तरह। ये किस कंडीशन में हमारा ओबे हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये तभी कंडीशन फॉलो होती है अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो डियर स्टूडेंट्स ज्यादा हो। एज यूजुअल हम कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के तौर पर ही यूज करते हैं और उस लेंस को उस कॉन्वेक्स लेंस को जिस मीडियम के अंदर रखते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, ताकि जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इन नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो लाइट को क्या करे कॉन्वेक्स लेंस डियर स्टूडेंट्स
कन्वर्स करें, बट इन स्पेशल कंडीशन दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इट शुड रिफ्रैक्ट द लाइट, बट द लाइट इज रिफ्रैक्ट इन सच ए वे दैट इट विल डाइवर्ज. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास में. अब इसी कंडीशन को मैं यूज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस जो होता है वो क्या कर देता है. डियर स्टूडेंट्स की नेचर जो होती है वो चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है? चेंज होती है. मतलब वो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा. ठीक है, तो ये अब क्लासेस में देखूंगा मैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए.